नमस्कार, रवि पथ न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा खबरों के साथ मैं अनूप कुंडू। खबर की शुरुआत करते हैं कनो गांव से, जहां पर युवा संगठन द्वारा गांव में पहला रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। यह रक्तदान शिविर गांव की चौपाल में लगाया गया, जिसमें अग्रवा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर अजय छोकर के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम पहुंची। इस शिविर में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराज सिंह सभरवाल ने शिरकत की। बलराज सिंह सभरवाल ने रक्तदान को महादान बताते हुए सभी से रक्तदान करने की अपील भी की। इस मौके पर रक्तदाताओं, मुख्य अतिथि एवं डॉक्टर टीम को युवा क्लब द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ये युवा संगठन कनो के द्वारा ये आयोजन किया गया है डोनेशन कैंप का, और इसमें हमारे साथ में लगते हुए अग्रवा मेडिकल कॉलेज से हमारे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की टीम आई है। यहाँ लगभग 50 से 51 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाएगा, जो कि गांव के हिसाब से बहुत बड़ा योगदान है। और मैं समझता हूं कि आज तक दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई दान है, महादान है, तो वो रक्तदान है। रक्तदान से बढ़िया कोई दान नहीं होता, क्योंकि इससे किसी भी इंसान की जिंदगी बचाई जा सकती है। मैं बड़ा इंस्पायर हूं इन बच्चों को देखकर, क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो पहली बार 10वीं में था, तब मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया था और वो सर्टिफिकेट मुझे मिला था, जो आज तक मैंने संजो के रखा हुआ है। और इन लोगों को भी सर्टिफिकेट अभी डॉक्टर साहब ने दिए हैं, हमने सर्टिफिकेट दिए हैं, तो ये इन लोगों को एक प्रोत्साहित करेगा। और आने वाले समय में ना सिर्फ रक्तदान बल्कि बच्चे इससे मोटिवेट होंगे और अच्छे सामाजिक कार्य में भाग लेंगे। और रक्तदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि हर इंसान को रक्तदान करना चाहिए। इससे पहले भ्रांति होती थी, कमजोरी आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ही टाइम बाद ये कंप्लीट हो जाता है और इससे कोई नुकसान या किसी तरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। रक्तदान के लिए और उनको रिफ्रेशमेंट के लिए मैं 50 किलो दूध और 50 किलो जलेबी यहाँ दे रहा हूँ। हमारी महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज से ये टीम आई है। यहाँ लोगों बहुत सारे उत्साहित नजर आ रहे हैं और खूब अपना ब्लड डोनेट के लिए आगे आ रहे हैं। मैं ये सब इनको ये बताना चाह रहा था कि ये जो दान है, ये महान दान है। इसमें कोई किसी भी मरीज की जान बचाने के लिए कोई डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। इवन आप रक्तदान देके भी किसी जिसको बहुत जरूरत है ब्लड की, उसकी जान बचाई जा सकती है। और इसमें सारे जो आपके जो टेस्ट होंगे वो होंगे, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और मलेरिया पैरासाइट, ये सारे टेस्ट करके देखते हैं। अगर इसमें कोई भी त्रुटि आती है या कोई भी कमी आती है टेस्ट में, तो हम उनको बुलाते हैं और उनका फिर से दोबारा टेस्ट करके देखते हैं और फिर उनको आगे डिपार्टमेंट में उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको भेजते हैं। धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए बने रहिए रवि पथ न्यूज के साथ। नमस्कार।